मैं जरूर बताना मेरे हाउस माई लुक, तो मेरा लुक कैसा है आप लोग कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके मुझे बताओ। अभी फिलहाल हम लोग पेट्रोल पंप पे, यहाँ से पेट्रोल भरेंगे, फिर लंबी राइड्स पे जाएंगे, देखेंगे कहाँ जाना है, क्या करना है और क्या हो सकता है आज के दिन। तो सुपर सैटरडे है आज, आप लोग कब देखोगे ब्लॉग मेरा पता नहीं मुझे, तो मेरा लुक कैसा दिख रहा है कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग। थोड़ा बैठे हैं, फिर बहुत सारी धूप है, तो इसको अगर इस धूप से बचना हो तो आप सनस्क्रीन लगाना जरूर, नहीं तो काले हो जाओगे, बिल्कुल काले धूप के जैसा। काले लोग को नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर आप थोड़े बहुत गोरे हो या थोड़े भी गोरे हो तो सनस्क्रीन लगाना चाहिए, क्योंकि धूप की इतनी बहुत ज़्यादा सेल्सियस डिग्री में धूप है मुंबई में, तो कभी भी निकलिए तो थोड़ा बहुत अपने आप को सनस्क्रीन लगा के प्रोटेक्ट करके निकलो धूप से। कैप वैप लगाओ मेरे जैसा, मैं बहुत अपनी स्किन को बहुत पॉजिटिव लेता हूँ और बहुत सारी चीज़ें यूज़ करता हूँ। आपको भी अगर जानना है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, तो मैं आपको बताऊँगा कौन सी सनस्क्रीन मैं यूज़ करता हूँ। सो वही चीज़ फाइनली कार्टर्स पे हम लोग पहुँच चुके हैं, ये पूरा कार्टर्स रोड, यहाँ पे आपको अनगिनत लोग मिलेंगे देखने के लिए। वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल इश्यूर बस एफ सिक्स। हो गाइस वही जो सही, फाइनली एक नए व्लॉग के साथ फिर से मेरे चैनल पे। आप लोग अगर नए हो तो पहले सब्सक्राइब करो, फिर पूरा वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे जाओ सेफ अंडरस्कोर शेख 77, वहाँ पे भी मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हो आप लोग। मैं काटास पे आया था कुछ घूमने के हिसाब से आया था, तो बहुत खूबसूरत नज़ारा है, आप लोगों को मैं शो करता हूँ। खूबसूरत नज़ारा बैंड्रा का काटा रोड्स का है, आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हो, देख सकते हो, इंजॉयमेंट कर सकते हो जैसे कि हम लोग कर रहे हैं। सैटरडे मैंने सोचा कुछ ब्लॉग बनाया जाए, बहुत टाइम हो गया था ब्लॉग नहीं आ रहे थे मेरे चैनल पे, बहुत लोग बोल भी रहे थे क्या हो भाई ब्लॉग नहीं बना रहा है, तो मैंने सोचा इस बार इस सैटरडे को मैं ब्लॉग बनाऊँगा और हो सके तो आज रात तक मैं अपलोड भी कर दूँगा। आप लोगों को कल ये ब्लॉग देखने मिलेगा, आज सैटरडे, कल क्या होगा पता नहीं, कल संडे ही होगा आखिरकार। तो इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहो, इतना प्यार दे रहे हो, और भी इंस्टाग्राम पे भी रील्स अच्छे जा रहे, व्यूज़ अच्छे आ रहे मेरे। अगर मेरे इंस्टाग्राम पे आप मेरे को अगर फॉलो करना है तो saif_shake77 इंस्टाग्राम पे जाके वहाँ पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मेरे को आप बता सकते हो कि डायरेक्ट DM करके, और भी कौन सी जगह आपको एक्सप्लोर करके देख, मतलब मैं एक्सप्लोर करूँ, आपको और भी देखना है तो ऐसी कोई हिडन प्लेस है तो मुझे बता सकते हो, मैं उसको एक्सप्लोर करूँगा मेरे चैनल पे, आप लोगों के लिए व्लॉग्स बनाऊँगा। प्लीज़ शेयर माय चैनल सबको, जितने लोग हैं आपके घर में और भी कहाँ कहाँ जो गांव में बसे हुए हैं, जितने भी लोग हैं आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करो, इसी तरह प्यार करो। लव यू ऑल यूट्यूब फैमिली एंड इंस्टाग्राम फैमिली। Create my own dynasty, a new rivalry, it emerges ever so silently, but I got fight in me, so I'll squash anything that's trying me, I'm like, me. Your boy Saif Sheikh, Saif को बहुत ऐसे खतरे पसंद है, और ऐसा एक टनल है, हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ पे जाऊँगे, ये देखेंगे। वो जो सही, कुछ मस्ती करने आ रहे हैं हम लोग, बहुत आगे है, वहाँ पे देखते हैं क्या है। मैं फाइनली बहुत लंबा है, पत्थर पत्थर है यहाँ पे, जैसे कि आप मेरे पैर में देख सकते हो, तो देखता हूँ वहाँ पे आके, मज़ा आएगी। कुछ ऐसा लग रहा है ब्रिज है, ये ब्रिज के ऊपर अपन चल रहे, पत्थर ही पत्थर है, बट आप अगर यहाँ पे बैंड्रा काटा रोड जाओगे तो ये दिखेगा, तो आप आना चाहते हो तो आराम से आ सकते हो, कोई ऐसा मना वना नहीं है यहाँ पर आना, आ सकते हो। साहब भाई ने बोल दिए तो आपको परमिशन मिल गई समझो, कोई पूछा तो ये वीडियो दिखा देना यूट्यूब पे क्या। मज़ा आ गई, काफ़ी बहुत अंदर आ गया हूँ मैं, आप लोगों को बता दूँ, जैसे कि आवाज़ मेरी आपसे कनेक्ट हो रही क्या नहीं पता नहीं मुझे, बट मैं जितना हो सके मैं उतना ज़ोर से बोल रहा हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ही मज़ा आ रहा है,
बस हो गया, ज़्यादा अंदर नहीं जाना है मेरे को, लंबी हो जाएगी। तो ये है वो व्यू। मुझे ऐसे खतरे देखना और खतरे के काम करना बहुत मज़ा आता है, तो आप लोगों के लिए ये खतरा उठाया मैंने। तो इसी तरह खतरों के साथ मुझे सब्सक्राइब भी करते रहना और जितना सके वीडियोस को शेयर करते रहना। कमाल व्यू है, आप यहाँ पे रील्स और वीडियो शूट कर सकते हो, फोटो शूट कर सकते हो, कोई प्रतिबंधन नहीं यहाँ पे। इस काटा रोड पे चलने बहुत मज़ा आती है, तो हम लोग ने सोचा थोड़ा वॉक करते हैं। यहाँ पे गाड़ी वहाँ पे लगा दी हम लोग ने, गाड़ी से आए, जैसे हम लोग अंधेरी में रहते फिलहाल, तो अंधेरी बेस्ट वाली पब्लिक तो बैंड्रा में आई है आज। तो फिलहाल हम लोग वॉक कर रहे हैं, वॉक करते जा रहे हैं। बहुत ही अलग सिचुएशन है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लोकेशन है, आप लोग घूम सकते हो यहाँ पे, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर्स हैं, लोग मिलेंगे तो बहुत ही अच्छा, मतलब झाड़ है, बहुत ही हरियाली है, समुंदर है, कपल प्लेस है। आप कपल हो तो यहाँ पे आ सकते हो, आप यहाँ पे बैठ के इंजॉयमेंट ले सकते हो। डॉग्स आते हैं यहाँ पे, लेडीज़ आती हैं, जेंट्स आते हैं, बहुत लोग आते हैं, वॉक्स करते हैं यहाँ पे वॉक। तो वही जो सही I work privately to go build and create my own dynasty. A new rivalry, it emerges ever so silently. But I got fight in me, so I'll squash anything that's trying me. I'm like, me versus you, I hope that you know what you're getting into. I got nothing to lose, so you better watch out, can't predict my moves. I'll make you irrelevant, I don't stop till I'm at the top. ये काटा रोड्स का मेन पॉइंट है, काटा रोड्स का। तो यहाँ पे आप लोग आके बैठ सकते हो, कपल प्लेस है पूरा। अभी थोड़ा पुलिस वाले हैं यहाँ पे तो भगा रहे हैं, पता नहीं कुछ हुआ रहेगा, बट आप लोग जब भी आओगे तो भगाएंगे नहीं आप लोग। आप लोग यहाँ पे स्टे कर सकते हो, थोड़ा टाइम मतलब स्पेंड कर सकते हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ आ सकते हो काटा स्पैंड्रा वेस्ट। सो वही जो सही, बहुत ही अच्छी जगह, पूरा ब्लॉग देखना, स्किप मत करना। बहुत अच्छी अच्छी जगह पर मैंने और फोटोशूट भी हम लोगों ने यहाँ पे किए, ऐसे सीरीज और बहुत सारा हम लोग लाए थे साथ में, तो उसके साथ बहुत ही मज़ा आने वाला है इस व्लॉग में। अब वो पूरा देखना, स्किप थोड़ा भी मत करो, कि बहुत मज़ा आने वाली है। जितनी मज़ा इधर आने वाली है ना, कहीं नहीं आने वाली है, क्योंकि ये काटास रोड है वाई बैंड्रा वेस्ट सबसे बेस्ट, काटा रोड इज़ ग्रेट। बोलने भी प्रॉपर हो नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को बहुत लोग देख रहे हैं क्या कर रहा हूँ करके, बट उन लोगों को पता नहीं है कि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। तो मेरा ब्लॉग का चैनल है यूट्यूब पे, तो आप लोगों को तो पता है बहुत सारा प्यार मिलता है आप लोगों से, और ऐसे ही प्यार मिलता रहना चाहिए हर टाइम। और इस ब्लॉग को तो 100 के आना चाहिए, और 20 कमेंट, ज़्यादा नहीं 20 कमेंट मांगूँगा, क्योंकि 15 कमेंट इससे पहले वाले वीडियोज़ पर आए थे। तो इस वीडियो पर 20 कमेंट कर दो, नेक्स्ट पे टारगेट बढ़ाते आएंगे, और व्यूज़ 100 के चाहिए फाइनली। तो सबको ईद मुबारक, क्योंकि इतने मैंने कुछ वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, तो बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से कनेक्ट होते रहूँगा इसी तरह मैंने ब्लॉग के साथ। तो वही जो सही, like a shadow, there's a dark side to me. I work privately to go build and create my own dynasty. A new rivalry, it emerges ever so silently. But I got fight in me, so I'll squash anything that's trying me. I'm like, me versus you, I hope that you know what you're getting into. I got nothing to lose, so you better watch out, can't predict my moves.
I make you irrelevant. I don't stop till I'm at the top settling. I live here like a local resident, and you know I ain't selling it. फाइनली पूरा काटा रोड्स घूमने के बाद हम लोग आए हैं न्यू जायका, यहाँ पे ही है खारदांडा के पास। तो हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पे से कुछ खाए, और पेट में बहुत ज़्यादा भूख लगी है मेरे को, तो मैं यहाँ से थोड़ा कुछ खाऊँगा फिर आगे आएंगे अपन। यहीं पे मतलब फाइनली पूरा घूम लिया हम लोगों ने काटा रोड्स। तो बहुत ज़्यादा धूप थी तो भी हम लोगों ने घूमे। शाम का वक्त 6 बज गया अभी, तो घर पर जाने का टाइम हो गया। कुछ खा लेते हैं यहाँ से न्यू जायका से फिर चलते हैं। तो आप कभी आओगे तो न्यू जायका विज़िट करो। तो गाइस हम लोग ने एक गार्लिक ब्रेड लिया है और चिकन रोल लिया है एक, और भी बहुत लजीज है, देखने में लजीज लग रहा है, खाने के बाद और भी मालूम पड़ेगा। चेक करके बता दो क्या है टेस्ट। बहुत ही टेस्टी है, आप भी कभी आओगे तो न्यू जायका पे आ जाना। खारदांडा में आइए, बहुत टिक्का है, मैं सेजवान के साथ खा रहा हूँ इसको, मज़ा आ गया। पिज्ज़ा भी नहीं रहता इतना टेस्टी, इतना टेस्टी कबाब गार्लिक ब्रेड है। अभी अंधेरा हो जाएगा, उसी के लिए मैं यहाँ पे मेरा ब्लॉग को एंड करता हूँ। तो इसी तरह लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो। सो वही जो सही, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं फिर से। सो जब तक के लिए बाय, टेक केयर।